कैसे हैं सब जी? ओके बच्ची। खादीन हजरत ईद मुबारक। खादीन हजरत कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, ये सिफारिशी के साथ और केबी के साथ आप देख रहे हैं सुपर पावर। वाह 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 केबी, केबी लुकिंग वेरी नाइस, वेरी शाइनिंग, वेरी एक्सपेंसिव, जस्ट लाइक माय टेस्ट बच्ची। बैठिए बैठिए प्लीज, आज का शो शुरू करते हैं। खवातीन और हजरात आपको पता है ईद पे तीन चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जदों एमले तो गोश्त आंदे और भी कलेजी आय हाय हाय है, और दूसरा सवैया, और तीसरा हमारी फिल्में। वाह खुदा, हमारे लिए तो सारी फिल्में फेवरेट हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम फिल्मों में कांटेदार मुकाबला हो और फैसला सुपर ओवर में हो। खादीन हजरात आज आपके लिए बड़ी ईद का बड़ा तोहफा है, दो ऐसे बड़े नाम हमारी इंडस्ट्री के जो कि सुपर ओवर में आके तहलका मचाने वाले हैं, अपनी फिल्म को लेके आए हैं। प्लीज वेलकम द सुपर हिट कास्ट ऑफ द फिल्म कायद आजम जिंदाबाद, मुस्तफा महरा खान। फहद मुस्तफा आपकी एंट्री जिंक चक्का रे जिंक चक्का रे जिंक चक्का गोल्डन जुबली वाली हुई है। आपका ख्याल है फिल्म सिल्वर प्लैटिनम कौन सी जुबली करने वाली है? यार कोई भी जुबली कर ले, बस कर ले, किसी जुबली तक तो पहुंचे, क्योंकि हालात जो हैं इस तरह के हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोग घरों से निकलें और हम दोनों की फिल्में, मेरी भी हुमायूं भाई की, सबकी फिल्में जो हैं वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से लोगों तक पहुँचे, एटलीस्ट देख तो लें वो। मगर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म कायद आजम जिंदाबाद का ट्रेलर देख के ही फिल्म सुपर हिट है जी। थैंक यू भाई। हुमायूं तो भाई हैं, मान लिया, सबके भाई हैं, आपके भी भाई हैं। हाँ ये तो पक्की बात है। अब मुझे बताएं, हुमायूं से पूछेंगे? हाँ। नहीं नहीं, आपको पता, हुमायूं से अगर मैं ये पूछूंगा तो ठगा एक माहिरा, जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई क्या वो चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? और ये ना कहिएगा फहद मुस्तफा की एनके, तुम नहीं थे इसमें। वैसे दो स्क्रिप्टें दी थी मुझे। जी जी, दो स्क्रिप्टें आपके सामने आई थी, दूसरी के ऊपर तो बात करेंगे हम। तो फिर मैंने इनको चूज कर लिया। खैर है, सबका देना चाहिए। मगर आज दे दी, लग गया दे दी ना, उसने इतना करियर किया, उसने कहा एक फिल्म सदके में भी कर दूं। बट ऑनेस्टली मुझे इतने अरसे से ये हो रहा था कि हम काम करेंगे एक साथ, नहीं हो रहा था, और फिर मैंने बस कहा बस दिस इज इट। और ये स्टोरी ऐसी है कि आई डोंट नो, मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा होना चाहिए। मायरा फिल्म सिनेमा घरों में लग चुकी है और जो रिपोर्ट जा रही है हाउसफुल जा रहा है। मुझे आज की टिकटें नहीं, कल की भी नहीं, परसों की टिकटें मिली हैं। इस फिल्म के अंदर आपका बड़ा लाइवली बबली सा कैरेक्टर है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, बड़ा लाइवली है, बबली है, और बड़ी दबंग सी लड़की है। कोई छेड़ता है तो बोलती है शट अप। ओए होए, सुन रहे हो? जी जी, मैं इसलिए छेड़ी नहीं रहा। हाँ, कोई घूर रहा होता है तो बोलती है मुंह तो बंद करो। और फिर स्वीट भी है, स्वीटी भी है। उसको जानवर से आई एम स्वीटी, सम से आई एम क्वीन ऑफ द ब्यूटी, एंड आई एम अलाइव, हार्ट इज बीटिंग, एंड माय सॉरी, एनीवे सो यस, शी इज लाइक दिस। ओके ओके। एंड उसको जानवरों का शौक है। अच्छा, और अच्छी बात है, देख ले मैं आपका ख्याल रखूंगी। एनिमल राइट्स, अल्लाह क्यूट, जो स्माइल करते हैं उनकी आंखें चली जाती हैं। ना कह, ये बहुत छोटे हो जाएंगे। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। महरा जी, आप फहद के साथ बैठी हैं और अकबर का यहाँ दिल जल रहा है। इस सिचुएशन पर आयमा बेग ने क्या खूब कहा है, अकबर के सामने फहद के पास, अकबर के सामने फहद के पास कोई रहता है वो हो तुम, अकबर के सामने फहद के पास। नहीं लग रहा कि आप अपने बेटे की, क्योंकि मैं तो अनार के लिए हूँ। अरे मुझे तो शहजादा सलीम पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सलीम। ओह सॉरी।
सॉरी ये काट दीजिएगा, मुझे तो शहजादा फहद पसंद है। चलिए अच्छी बात है, टाइम टाइम से अपने शहजादे चेंज करने चाहिए, अच्छी बात है। मुझे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट ऑन विद द ट्रेंड डार्लिंग। फहद मुझे बताएं, नामालूम अफराद, एक्टर इन लॉ और फिर लोड वेडिंग, ये फिल्मों ने इंटरनेशनल फिल्म्स का मुकाबला किया और उसके बावजूद हिट हुई। अब तो मैदान खाली है, सिर्फ थॉर आपके सामने है। अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि फिल्म कहां तक जाएगी? मेरी फिल्म्स जो भी रही उनकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू बहुत ज्यादा रही है, तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि आपकी फिल्म लोगों को याद रह जाए। ये याद रहना कि किसने कितना बिजनेस किया, मैंने आज तक पूछा भी नहीं मेरी फिल्मों ने कितना बिजनेस किया, पैसे के पीछे नहीं भागता मैं जानू। अच्छा लोगों को भगाते हैं ये पूरे अपने पीछे पीछे भगाते हैं, मगर अच्छी बात है कि आप बाकी पैसे के पीछे भागते नहीं, लेकिन हम उनको बुलाने वाले हैं जिनको ये चीज़ें मैटर करती हैं, जो पैसों के पीछे वाकई बेचारे भागते हैं कि हाय साडा एडा पैसा लग गया कि तुहानू तो पता नहीं कि ताड़ी चावां का किन्ना बिल आया, ताड़े कपड़ियां का किन्ना बिल आया, बिल्कुल ताड़े फीते का किन्ना बिल आया। ख्वातीनो हजरात, इस फिल्म के दो मम्मी डैडी, जिसके मैं कहूँगा कि अम्मी अबू दोनों आने वाले हैं, एक डायरेक्टर हैं एक प्रोड्यूसर हैं, प्लीज़ वेलकम फिजा एंड नबी। Welcome back. Finally, we have Fiza और नबील यहाँ पर, और उनके साथ एक सपोर्टिंग एक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखते हैं बहुत सपोर्टिव हैं, वेरी सपोर्टिव, और आज उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिजा की तरफ जाएंगे। फिजा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? फिल्म आपकी इतने सारे पैसे कमा रही है, क्या लग रहा है आपको? तुम्हारी वाली बहुत सारे पैसे यार, सुबह से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, मुझे लगता है नया अकाउंट खुलवाने पड़े। पॉकेट पिकर्स से आपने बहुत जो है ख्याल करना है, क्योंकि वो बराबर में आके बैठ जाते हैं और जेब काट के ले जाते हैं, ये आपने जहन में रखनी है। नहीं, ये पैसे जेब में नहीं फिट आने वाले, आई मीन माशाल्लाह बॉक्स ऑफिस इज लाइक। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप लोग सपोर्टिंग एक्टर्स को ज्यादा पैसे देते हैं या मेन कास्ट को पैसे देते हैं? देखिए मैं तो पैसे लेता ही नहीं, यू सी आई एम टू रिच फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। बेशक अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा पैसे अता फरमाए, अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा अरूज और फेम अता फरमाए कि आप अपने बाल यहाँ से सही वाले कटवाएं। जब नाई की बहन को छेड़ेंगे तो यही होगा। बस देखिए, जिस दिन मैंने टॉपिक लगाना छोड़ दिया ना जिंदगी में, जिस दिन आपने यहाँ मस्कारा लगाना छोड़ दिया, उसमें भी हो जाएगा। अच्छा नबील, कैसे आप? दूर बैठ गए, इधर आके बैठे। अच्छा, मैं आपके लिए यहाँ आया था। नहीं नहीं, चले हाँ वहाँ बैठे, मैं नहीं, आप बल्कि इधर। अच्छा आप यहाँ पर आ जाएं, आपको हालत टाइट हो रही होगी, तनख्वाह भी आनी है। आप इधर है सर, नबील आप उधर हैं। अच्छा आप इधर नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। एम जे जे का फोन आ जाएगा, क्या कर रहे हो? इन भाईजान को तो परवाह ही नहीं कि हम कभी फिल्म के पैसे नहीं देखता, मगर जाहिर बात है आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दिन रातों की नींद, एक एक घंटा एक एक लम्हा आप लोगों का इस फिल्म के ऊपर लगा होता है, प्रमोशंस हो रही होती है, बड़ा कुछ हो रहा होता है, इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म हो रही होती कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट नहीं टाइम पर आया, मेरी साड़ी नहीं टाइम पर पहुँची, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, मेरे समोसे कहाँ हैं, कैसे डील करती हैं दोनों बच्चों यार को? एक बार करें हमारी प्रोडक्शन में काम, ऐसी शिकायतें नहीं मिलेंगी आप है? अच्छी प्रोडक्शन में काम तो करो तुम, कब काम ही नहीं करने देते ना। यही तो नहीं, बट मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं लाहौर जब भी आता हूँ तो भट्ट साहब का एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरा खाना इनके भाई भेजते हैं हमेशा से, और बड़ी मोहब्बत से भेजते हैं और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आते हैं और आप हमेशा मुफ्ते का खाना लेके जाते हैं, खैर है। और इंस्टाग्राम पोस्ट भी नहीं लगाते सर? देखे ना इंस्टाग्राम पोस्ट पता किस तरह लगाता है, ये देखो आज खाना बहुत अच्छा था, नहीं लगा रहा। नबील वेलकम टू द शो, आपकी माशाल्लाह ये छठी छठवीं फिल्म आपकी मेन स्ट्रीम सिनेमा, और आपका भी वही सलमान खान वाला ट्रेंड है, ईद पे आऊंगा, बस आऊंगा तो ईद पे आऊंगा। देखें मैं हूँ कुरैशी, और बकरा ईद तो फिर पता आपको कुरैशी की है। बनता है वैसे। मायरा मुझे बताएं, अक्सर होता है कि जब एक्टर्स दूसरे मुल्क जाके काम करते हैं, वापस आके वो लोकल डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के नंबर डिलीट कर देते हैं, ऐसा सच है? रईस तो निकली भी नहीं थी व्हेन आई वाज वर्किंग विद शुएब मंसूर। क्या बात, ओह वाह वाह, बिल्कुल। मैं शूट करके आई थी और नेक्स्ट जो भी फिल्में थी आगे थी इंडियन फिल्में, लेकिन उससे पहले मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं शुएब साहब की फिल्म जरूर करूंगी। बट जी, आपको हमारे तैमूरी खानदान की दादा ज़हीरुद्दीन बाबर, हमारे अब्बा हुजूर नसीरुद्दीन हुमायूं की जाओ हशमत की कसम, हमारी एक रिक्वेस्ट है जी, उसको रद्द न कीजिएगा। हुमायूं कह दिए, रद्द नहीं करेंगे। माहिरा जी और फहद के साथ
हमारी एक सेल्फी बनवा दें। आप सेल्फी में आएंगे नहीं, मसला ये है। We'll try, we'll manage। चले आइए जी, आइए। महरा मेरी कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगी, महरा मेरी कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगी, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के तल में पिघल जाओगी, एक दिन आएगा आहद सो जाएगा वो, इन आग दिल में लगा दूंगा वो के तल में पिघल जाओगी। क्या बात है, वाह जी वाह। कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगी, सो गया बेचारा, सो गया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उठे उठे। So thank you। क्या बात है सर, क्या सुरीले हैं आप। उन बैठो 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 जो। सिग्नेचर है। ओ अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भज्जी अपनी बट बट बंद करो और मेरी सुनो। हमें जान कहती थी कि मर्द का सर सिर्फ तीन औरतों के आगे झुकता है, पहली बीवी, दूसरी वाइफ, तीसरी पत्नी। अगर मर्द का सिर इन्हें तीन औरतों आगे झुके ना भज्जी, तो घटो घट वजीर आजम बनता है। हम शरीफ क्या हुए भट्टी कि पूरी शरीफ फैमिली इख्तदार में आ गई हूँ। मारिया बच्चे तू अले फुल शरीफ नहीं होया। वो कैसे है मियां? क्योंकि आधी शरीफ फैमिली इख्तदार चाहिए, आधी तो बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अगर शरीफ फैमिली सियासत में आ जाए तो समझ लो कोई फैमिली शरीफ नहीं रहती हूँ। अच्छा आप लोग शरीफों में बड़ा जोर दे रहे हैं, आप लोग हैं कौन? पछाणिया नहीं? नहीं। माड़ा पुत्र रईस, फिल्म तकियो सी। अच्छा रईस, ओ एस आर के रईस। जेड़ा आखदा ना अम्मी जान कहती है। जी जी। मैं इसनी अम्मी हां। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। आज तक बोल मैं त्रीजी मंजिल तक खलती अम्मी जान, तको टैंकी भरी है कि नहीं। एक बार आखना अम्मी जान। अच्छा ठीक है, आप अम्मी जान होगी, आप शाहरुख, मेरे मतलब है रईस। शाहरुख, शाहरुख। जी 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 जी। और सर आप कौन है? अपन का नाम चुलबुल राठौर सिंघम। क्या है कौन? चुलबुल राठौर सिंघम। क्या है कौन? चुलबुल राठौर सिंघम। क्या बस बचे हो, तो मजाक कर रहे, तेरे सेल वीक हो जा सन, बस कर। अच्छा तो आपको पता है फहद मुस्तफा साहब की भी फिल्म आ रही है जिसका नाम है कायदे आजम जिंदाबाद, ये कहीं उनसे इंस्पायर्ड तो नहीं आप? जी वो मुझसे इंस्पायर है। सर एक छोटा पैकेट आपके साथ आया हुआ है। सर लगता है सही रहा है। थोड़ा नहीं, नहीं, ये इनका शनाख्ती कार्ड है। लगता है ये वो अम्मी साथ आ गई जिनकी बातें इन्होंने फिल्म में बेची हैं। बट माड़े पुत्र खाली गल्ला नहीं, उस फिल्म में चैसने जो जो भी बेचे वो माड़ा ही है। की बेचे इन्होंने? डायलॉग बेचे ना, असल में मेरे डायलॉग बहुत वायरल हैं। तुसा नासर अदीबे ना ना सुनया? जी जी। पहली बारी उसा मैं आख्या सी नवा आया है सोनिया, ओ फिल्म विच कापी होया। जी जी। ते दुआ बंदा जेड़ा अपना सिगरेट स्पेशल खलीलुर रहमान खमर। जी जी खलील। पहली गलती है जेड़ा सिगरेट दा स्टाइल है के आसफे नहीं। आसफे नहीं? के आसफे ना, के आसफ, के आसफ। इन्होंने मुगले आजम बनाई थी, उन्हा की कापी कीता है खलीलुर रहमान कमर ने। अच्छा। और जेड़ा उन्हा दा डायलॉग हेटा सा दो टके नहीं औरत। हाँ। और लोकी मेनू आखदे सी अब मैं, मेरा मतलब है कि मेरी वजह तो हेट होया जी। अच्छा 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 अच्छा। जावेद अख्तर ना ना सुने ना। हाँ हाँ। फराने ना अबा। हाँ। नाल दुआ सलीम खान। हाँ। और डंडा वाला के ना है सल्लू पाई, उस ना अबा। हाँ। उन्होंने भी माड़े डायलॉग चोरी की थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो तुसी तके नहीं कितने आदमी थे जी, और मेरी वजह तो आके आसा। असल में पूरी गल आसी बट जी, कितने आदमी थे कप्ताने दे जलसे अच। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कापी करके थे शोले फिल्म च पाई छोड़े। अच्छा पा दी उन्होंने? जी हाँ। वेरी गुड वेरी गुड।
मायरा जी बहुत बड़ी फैन है तुसा ने। मेहरबानी। मैं तुसा की कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। दान तको जरा। एक रिक्वेस्ट करनी है। बताइए। फौज मुस्तफा सारे की गिफ्ट देंदा है, आखो माड़े दांद ही लुआई छोड़े। डन। एक बात और बतानी थी आपको। फहद मुस्तफा आप इनाम बांटते हैं ना जी, ये मांगता है। अब इसके पांच मिनट मांगने का टाइम है, ये वर्दी पहन के मांगता है। आटा माटी सटकली, आटा माटी सटकली रे। ओए ओए अरे मत, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। ए तुम ज्यादा मत बोलो। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। बस यही खड़ा रहे, ऐसे खड़ा रहने से लगता है 101। नाना अम्मी डॉट रईस। अम्मी डॉट रईस। माया, यू आर अ टॉप एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, बट आई हैव हर्ड इट्स वेरी लोनली और टॉप। कभी सच्चे दोस्त बने आपके? अ फ्यू, एक भी नहीं, थोड़े से। मतलब कुछ बन गए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो अभी तक हैं? अभी तक हैं। जिसमें से आसिम आई थिंक आपके नंबर वन पे आते हैं। आसिम के साथ आपकी बहुत दोस्ती है। अरे मुझे की दिल्लियां आ जाती हैं ऐसे मैंने आंखों के हैं। दिल्लियां की पहाड़ियां भी हैं पर वडन नो दिल करता है। नबील साहब, आपने जब कायदे आजम 2 बनानी है तो भाई को याद रखने का क्या? डन डन समझ? तुझे बहुत याद रखेंगे, जब भी सीन होगा नाम लेंगे, जमील जमील जमील, सीन होता रहेगा। हमी जान कहती थी मुझे माहिरा खान आखो। हमी जान कहती थी मैं फौद मुस्तफे नाल सेल्फी ले सा। हमी जान कहती थी मैं फौद मुस्तफे नाल नाच जा सा। हमी जान फौत हो गई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आप मुझे बताएं नबील, अभी आपका एक बड़ा खूबसूरत गाना आया है जिसका नाम है दिल करे धक धक धक। अली जफर साहब ने ये गाना गाया है, कोई खास वजह थी कि आपने अली जफर को ही चूज किया इस गाने के लिए? आई थिंक जब हम शूटिंग कर रहे थे सब लोग, तो वो गाने का डेमो उस वक्त बना हुआ था और वो शानी की आवाज़ में था, स्क्रैच जो है शानी खुद भेजा था। सो मैंने फहद और माहिरा से भी डिस्कस किया था सब लोगों का। आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ म्यूचुअल डिसीजन फॉर फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई थिंक जो गाने की मूड और फील थी ना वो काफी सूट करती थी कि इस अली जफर की आवाज में ये गाना अच्छा लगेगा। you know. मायरा मुझे बताएं, आपने अपने करियर के अंदर इतने बड़े बड़े रोमांटिक हीरोज के साथ काम किया और एक से बढ़ के एक रोमांटिक सॉन्ग भी किया, फहद मुस्तफा को रोमांस स्केल पे कहां लेके आती हैं? हाय वो एडर लंबा पॉज। दिस इज वी डूइंग रोमांस। ओह ओह, अच्छा डायरेक्टर भी सरप्राइज हो गया। ओह आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हम देखेंगे तो फिर पता लगेगा कि कहाँ रोमांस का स्केल है। मुझे तो लगता है फिट स्केल है। अरे वाह, ये यार रोमांस रोमांस तो फिर कूट कूट के भरा हुआ। मैं क्या फाद मुस्तफा जी, माशाल्लाह जितने खूबसूरत ने मायरा खान साहबा, एना नाल ते हर कोई कर ले सी गीत, माड़े नाल करो फिर मना। आ फिर आज तक ले सा। चल जल्दी जल्दी ला, दिल करे धक धक। आओ जी, हाथां च हाथ, अखां च अखां, कोई लिहाज ना उसी आ जाओ। आ जाए हमी जान, इस गाने पे कोई आटा भी नहीं देगा आपको। बेचो रह गया बांध सटना साले। एक मिनट बच्ची, मायरा जी आप कब फ्री हो रही हैं? जी मैं, हाँ क्योंकि मैंने आपके साथ रईस 2 बनानी है। आपके इंतजार में 50 लाख का खजाब लगा गया हूँ और 25 लाख का पी गया हूँ, अब तो अंदर से ही बाल काले निकल रहे हैं। मेरा और एक फिरदौस आवान साहिबा का मसला है, हमें मेकअप की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे तो खैर कम, लेकिन उनके लिए हथौड़ी छेने की भी ज़रूरत पड़ती है। असली की मायरा जी तुसा नी मेहरबानी है, माड़े पुत्र नाल फिल्म कर लो। असल की डॉक्टर आखदे ने इस दी ऑडियंस भी काटे थे, दे प्लेटलेट्स भी काटने।
डॉक्टर ने नहीं कहा है, ये प्रोड्यूसर ने कहा है जल्दी से फिल्म बना लो, वरना आवाम ने भी कहा है वरना इमरान खान आ जाएगा। 14 महीने तो नहीं आंदा, अगो पावे आ जाए। भैया जी ये मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी हीरोइन छोटी चुप 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 असल च मैं उन हीरोइन वास्ते आख्या जिहड़ियां फिल्मां च काम तो करनिया ने लेकिन अपनी असल उम्र लोगों को छुपादियां ने। अच्छा हुआ बता दिया अमी जान, वरना मैं तो ये कहने वाला था कि मायरे से बड़ी कोई हीरोइन नहीं होती। हाँ नहीं नहीं ये गलत है सच है, ऐसे शायर दे कहने का मतलब है कि मायरा टैलेंट च बहुत बड़ी है उम्र छोटी है। कायदे आजम जिंदाबाद, ये फिल्म भी नारे की तरह बुलंद पाया होगी। एक नारा हमारे दौर में भी बुलंद हुआ था जब शेखू ने कनीज की खातिर हमारे असूलों को पैरों तले रोंद कर कहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। फिर सारी रियाया शेखू को लोटा कहकर पुकारने लगी। मायरा जी अपन का प्रमोशन नहीं बढ़ रहा तो आप अपन के लिए फिल्म करेंगी? इधर आ जा फिल्म करेंगी, तेरे कितनी सी फिल्म बनी है इतनी सी बस चला। मैं करूंगी। करेंगी मैं अगर आप मेरे साथ फिल्म करेंगी तो मेरे फूल बढ़ जाएंगे। इधर आ जा वरना मूछों से पकड़ के लाऊंगा। इधर आ, इतने ज्यादा फूल बता रहे हैं पुत्र, तू खड़क गुलकंद बनानी है। पाहत आप इतना काम करते हैं, कभी यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ, बहुत वर्कहॉलिक हैं, तो अपनी फैमिली को टाइम दे देते हैं? My family is a workaholic too, so everybody is working all the time, so we are all working. पर जैसे गजनी में आमिर खान और ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने अपने सिक्स पैक्स बनाए थे, उस तरह आपने भी इस मूवी के लिए सिक्स पैक्स बनाए थे? बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी एक फाहद की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जवानी फिर नियानी 2 के एंड में फहद मुस्तफा साहब की एक फाइट थी जिसमें उन्होंने शर्ट उतारनी थी, याद है आपको वाली फाइट? उसके अंदर सामने जब शेरवानी उतरी फहद ने कहा जी नहीं ये शर्ट नहीं उतरेगी, क्योंकि अगले की बॉडी इतनी अच्छी थी मुझे कम से कम 3 साल चाहिए थे, मैंने कहा ये तो बहुत, सो आई मेड दैट फाइट वेरी फनी इंस्टेड, यू नो, इंस्टेड ऑफ वो वाला आई टुक इट टू समवेयर एल्स, तो समझ भी आ गई। ये वो बड़ा अच्छा था फाज जी, जेडी फिल्म तुसा नहीं आ गई है कायदे आजम जिंदाबाद, उस च मायरा खान कोलो जेड़ा तुसा निशाने लोए ने वो सीन माड़े नाल हो सकना? ओए अम्मा बस कर। हो सकता आप सच्ची की बंदूक लाए और निशाना मेरी माँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सामने खड़ी हो मैं निशाना ऐसा लगाऊंगा। मारिया बच्चे तुसा की पालन वास्ते मैं गुर्बत ना निशाना बनी और के बना। हमी जान कहा करती थी काम पे जाया कर, हमी जान कहती थी नून लीग नु वोट ना पाए। अम्मी जी का परसों 40वां है। दिनों तक कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं सुपर ओवर ईद स्पेशल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं, सवैया जरा लुका के रखो। हाँ पैक करा ले सवैया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, हाउ दिनों तक आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तो आदि नजाद अगले सेगमेंट की तरफ जरा बढ़ते हैं, आपके लिए मजेदार क्लिप्स हैं, आइए चल के वो देखते हैं। अरे ये कब हुआ था और ये कैसे हुआ? यार एक्चुअली हम गाना शूट कर रहे थे और नबील साहब को अलग अलग जगहों पे ना दिल करता है कि कभी चबूतरे पे चढ़ जाओ कभी कहीं चढ़ जाओ, अरे बाप, तो वो ये हम शॉट दे रहे थे और अचानक से वो मेरे महंगे वाले जो जूते थे महंगे वाले बहुत महंगे वो थोड़ा स्लिप कर गए, नजर वहां भी लगती है ना। अच्छा वहां भी लगती है नजर, वहां तो मैं था ही नहीं, वहां कैसे लगता? वहां नबील था ना। तो वो मैं गिर गया और उसके बाद माशाल्लाह से आई वाज ब्लीडिंग अ लिटिल, जैसे ही गिरा मैंने सबसे पहले पूछा कैमरा ठीक है? अच्छा खुद उसी फाज जी होनी तो गिरन लगे से माड़ा बच्चा अपने स्टंट खुद करदा, क्यों 3 स्टंट पे ने नु? ये मेरी बात हो रही है? हाँ जी पुत्र, मुझे बताओ ना मैं बेइज्जती तो महसूस करूं? जी अगली क्लिप की तरफ बढ़ते। अरे वाह 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 वाह, फहद मुस्तफा साहब
रोल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो एग रोल क्यों ना हो। ये मुझे बताएं कब, कैसे और ये स्टंट खुद आपने परफॉर्म किया? जी, ये सारा कुछ हमने खुद किया था, और आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें पीछे लगी हुई हैं, द रिगिंग शिगिंग एंड ऑल, ये स्पेशली बनी भी इसी सीक्वेंस के लिए थी। ये पाकिस्तान में थी भी नहीं ऐसी, तो ये आधी वेल्डिंग हुई हुई हैं, आधी कुछ टांके से लगी हुई हैं, कुछ पे कपड़ा बंधा हुआ होगा, और उसके बाद फिर जो हमारे डायरेक्टर है ऐसे टाइम पे ये आपको देखता भी नहीं है, वो मतलब पलट के ना, और हाँ बात हो गया, हो रहा है। नहीं, मैंने ना ये वाले सीक्वेंस रखे थे फिल्म के बिल्कुल आखिर में, एंड में। हाँ, गिरे भी तो मसला नहीं है, बाकी ये, और ये लिटरली ऐसा ही है। इंश्योरेंस साइन होती है कुछ? हाँ, जाती कराई हुई है। मुश्किल ये चीज़ें थी, और बाद में मुझे भी ये हुआ कि यार इसने ये कैसे कर लिया बाकी में, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट। अच्छा, पहली फिल्म से ऐसा सोच रहा है कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कर लेता हूँ। यार कैसे कर लेता यार? नहीं नहीं, ये तो है भाई, फाहद के साथ मैंने काम किया, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी इनको सीखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही नौजर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप तारीख उठा के देखें तो शबनम, शमी मारा, शमी मारा और जेबा, जेबा, बाबरा शरीफ, अब बोलो, ये हीरोइंस मेल एंड फीमेल ऑडियंस की फेवरेट रही हैं, और बहुत ही अरसे बाद मायरा खान आप एक ऐसी हीरोइन हैं जो वाकई ही मेल एंड फीमेल दोनों में हिट हैं। इसकी क्या वजह है? आपका टैलेंट है या किसी बाबे तो तवीज़ कराए? आप बताएं। मैंने तो लगता है तवीज़ कराए। मुझे एज डायरेक्टर लगता है, आई थिंक जो इनोसेंस है ना वो ऑडियंस को बहुत पसंद आती है, खासतौर पे औरतों को भी और मर्दों को भी। नबील, आपने जो बात कही, और बल्कि हम मायरा को भी बता दें, बाबरा शरीफ ने भी आपके बारे में यही बात कही है कि आपकी इनोसेंस जो है वो लोगों को पसंद क्या आती है। क्या बात, थैंक यू, ये बहुत बड़ी बात है बाबरा जी से आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक चीज़ जो बहुत पहले समझ में आ गई थी, और अल्लाह करे हमेशा रहे, वो ये है कि यू नो, आई डोंट नो, आप खुद को नहीं स्टार समझ सकते। True. मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को नहीं समझती। गौर से सुने। नहीं, आपको बस काम करना चाहिए, और मुझे लगता है, मुझे सरमद ने ये बात कही थी हम सफ़र के टाइम पे, कि गंगू ये जो 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 ये है ना शक्ल पे, वो दिल दिल का सारा मामला है, और अगर सच्चा होगा तो सच्चा दिखेगा। अरे वाह वाह। और जो ऑडियंस है वो आँखों में देख लेती है। हाँ, उनको समझ में आ जाता है, उनको पढ़ लेते हैं। सो आई फील दैट मे बी दैट्स इट, बट आई डोंट नहीं नहीं देखिए, बाबरा शरीफ ने आपके बारे में इतनी खूबसूरत बात की है, शफकत चीमा साहब ने भी इसके बारे में एक बात की थी, मैं ऑफ एयर बताऊंगा। No, I think he's exactly the same as me. जी जी, माशिद की मैं हीरो में। ठीक है ठीक है, कुरैशी साहब जी आँख सो हुई हैं, ठीक है ठीक है। पता है क्या आँख देने? की? कहने अगली फिल्म की आइटम सॉन्ग तो सा कर सो। ठीक है। नबील साहब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। कहते हैं कि अगर हीरोइन और हीरो दोनों लय में हों तो मज़ा ही कुछ और होता है। डायरेक्शन में ऑब्वियस बात है, जब डांस की बारी आती है और गाने की बारी आती है, एक डांस डायरेक्टर का भी उतना ही काम होता है जितना एक डायरेक्टर। और आप लोगों ने निगा जी के साथ बहुत काम किया। एब्सोल्युटली। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम आती है, कि स्टेप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक्सप्रेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है? आई थिंक देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोरियोग्राफर्स तो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई कोरियोग्राफर जो समझे कि इस एक्टर का कितना पोटेंशियल है और मैं इससे इसका बेस्ट कैसे निकलवा सकता हूँ, ये मुझे लगता है पाकिस्तान में निगाह से बेहतर और कोई नहीं कर पाता। हाँ। तो वो हमें भी समझते हैं, और उनके सामने एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं बड़ा बेशर्मी से उनके साथ उनको बता देता हूँ कि ये नहीं होगा निगाह भाई, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने बाहर के लोगों के साथ भी काम किया है, वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ हमसे कराना चाहते हैं, जो शायद इतना मेरा पोटेंशियल। और आपने किया भी है, मतलब आपकी मैंने स्टेप्स देखी भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, निगा जी को एग्जैक्टली पता है कि किस एक्टर से क्या क्या करना करवाना है। सो यू नो वो, और अगर आप उनको फॉलो करें, जैसे लूटा रे में वो मुझे कहते थे अच्छा स्टेप हो गया, स्टेप हो गया, लेकिन अब क्या करना है, जो चलना और आए, ये, आए। तो वो इफ यू, मैं तो उनको बस, मैं शॉट जाने से पहले मैं कहती थी निगा जी आप करके दिखाएं, वो स्टेप करते थे, मैंने कहा नहीं 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 स्टेप नहीं, वो तड़का करके दिखाएं, और फिर वो करने से पहले मैं जाके वो शॉट देखती थी, एग्जैक्ट, बिकॉज़ आई न्यू कि इसमें आई हैव टू कॉपी हिम। आप पाकिस्तान की, बल्कि मैं कहता हूँ सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री उठा के देख ले, हमेशा हीरोइन का डांस इतना नहीं नोट किया जाता जितना उसका एक्सप्रेशन नोट किया जाता है। अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो डांस तो फिर
गया जी, जिस जैसे कहते हैं ना कि आपकी शक्ल ना चिपकी होती है, राइट, आंखों में वो आना चाहिए। फाद, आप लोगों को क्या क्या नहीं देते, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन्स और गाड़ियाँ, आप मुझे क्या देंगे? धक्का। तो सर की आंखना चाहिए था टाइम। अरे मैं आपको इस होश से छुटकारा दूंगा। गालियां। अब माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। आइए आइए। ना ना, मैं डांस ना कर सकता। ओ अम्मा, तो नहीं कह रहा, मैं इंस्पेक्टर साहब कह रहा। आए सर।